तो भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कल रात को हुई है, रौनक ठग मॉर्टल वाइपर 8 बिट मांबा गोल्डी मर्सी और स्काउट के बीच में। तो यार होता कुछ ये है कि रौनक अपने चैनल पे लाइव आते हैं और इन दिनों जो हेट मिल रही है उनको, उसके वजह से वो इमोशनल हो जाते हैं और काफी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि उन्होंने सोल क्यों छोड़ा, मॉर्टल ने कॉम्पिटिटिव क्यों छोड़ा। तो यार आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या बोला। तो सोल का सीन ऐसा था, आज तक मैंने क्लियर जितना भी करने का ट्राई किया, जो कुछ भी किया, किसी ने सुना नहीं। बट चीज ऐसी थी कि मॉर्टल ने छोड़ दिया था, ये सब किया क्या, सब थक्का था। थग ने जानबूझ के ये चाल रची थी कि ये टीम अभी अगर हारेगी तो मॉर्टल तेरा यूट्यूब और नहीं चल पाएगा। मॉर्टल ने हम चारों से, मैं ओवेस वाइपर मॉर्टल, हम चारों ने बात की थी कि देख थग हम लोग का सब खराब करे, मॉर्टल ने आप चाहिए ना वाइपर, तो वाइपर अगर सच्चा रहेगा ना तो बोलेगा आज कि हम लोग चारों की बात हुई थी उस दिन। बट ओवेस से मैं पूछा सकता हूँ कि मॉर्टल ने उस दिन ये बोला था कि हाँ मैं थग को छोड़ दूंगा, ये वो ऐसा ऐसा, मतलब उसको नॉर्मल एक मैनेजर टाइप रखूंगा अपना मैं वापिस। ये तब की बात है जब हम पीएमसी और जीते थे, पीएमसी और रीजनल इंडिया का, उसके बाद होटल में अगले दिन हम लोग की सब बातें चालू थी। बिकॉज बिना टीम बहुत सारे सब जो भी कुछ सैलरी फाइनेंस ये सब जो कुछ भी रहता है उसके बहुत सारे रीजन थे, वो छोड़ो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट हाँ मैं इतना ब्लेम जरूर करूंगा कि जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी टीम से और हम लोग की टूटी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं थक को ही ब्लेम करूंगा उसके लिए। और आज जो ये सब किया जा रहा है, थग स्काउट को इतना, आप एक चीज बताओ यार, मॉर्टल को स्काउट ने इतना बुरा भला बोला, इतना कुछ बुरा भला बोला, और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ना तो कुछ बोला था, मैंने तो ओवेस ने तो चलो ओवेस को तो निकाल दिया गया था, ओवेस को ओवेस ने खुद से नहीं छोड़ा है, ये लोग रखना ही नहीं चाहते थे ओवेस को, क्योंकि वो सब जान दो अभी मेरे को बोलना नहीं है। बट मेन रीजन था थक का कि ओवेस को निकालो, इसको नहीं रखने का है, ये वो ऐसा ऐसा सब कुछ। आप एक बात बताओ, मॉर्टल को इतना कुछ बोला, उसकी माँ भी के बारे में इतना कुछ गाली दिया स्काउट ने, आज वही मॉर्टल का दोस्त बन गया स्काउट, और हम लोग ने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने और ओवेस ने, हम लोग को हमेशा इग्नोर कर दिया जा रहा है, फ्रेंड लिस्ट से हटा दो। मैं मुझे ओवेस का पता नहीं, बट मैंने इतनी बार ट्राई किया ना मॉर्टल और वाइपर से बात करने का, आप लोग को नहीं लगता है ना तो मैं रुक जाओ, मैं एक बार खाली आपको ना आज सब क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं करा जा रहा है कि आप फुकट कोई गलती नहीं की है उसकी वजह से आज तक सहन कर रहा हूं मैं। यही सब जो नॉर्मल चीजें थी पहले वाइपर के साथ में मेरी, ये देखो वाइपर को मैंने बोला था, आई होप यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड विथ माई डिसीजन, एट द एंड एवरी पर्सन हैज टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, होप दिस वोंट चेंज एनीथिंग इन आवर फ्रेंडशिप, बाकी आज भी किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, खासकर तेरे साथ, तुझे समझाया बट मैं फेल हो गया, बिकॉज आई वॉन्टेड वाइपर टू कम विथ मी, बिकॉज थग ने इतना स्मार्टली प्ले किया था ये चीज कि मॉर्टल को एक टूर्नामेंट के लिए एकदम स्मार्टली चुप कराया, मतलब बिठा दिया ताकि ये टीम टूटे। मॉर्टल आज भी थग के इन्फ्लुएंस में ही है, मॉर्टल कभी भी ऐसा नहीं था, वो आज भी दिल से अच्छा है, मेरे को पता है वो एक बार के लिए मेरे और ओविस से वापिस से बात करना चाहेगा, बट थग हर रोज उसका ब्रेन वॉश करता है, वाइपर को क्यों मेरे से दूर रखा, वाइपर मेरे साथ इतना अच्छा दोस्त था, ना ओविस मेरा इतना अच्छा दोस्त था, ना मॉर्टल मेरा इतना अच्छा दोस्त था जितना अच्छा मेरा वाइपर दोस्त था। मैं वाइपर को नहीं छोड़ना चाहता था, मैं उसको ये समझाना चाह रहा था कि वाइपर देख क्या बोलने का यार, वाइपर खुद बोलता था थक कैसा है क्या है, बट वाइपर भी आज चेंज हो गया, क्या बोलने का। ये चीज बर्लिन के बाद ही क्यों हुई, बिकॉज मैं ओवेस और वाइपर हम तीनों ने बोला था हमको थग ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे फेवर में नहीं तुम्हारे फेवर में ज़्यादा है, हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हम ऑलरेडी एक टूर्नामेंट जीते थे उसके बाद भी हमको कुछ इतना कुछ नहीं मिला, वाइपर को तो फ़ोन तक नहीं दिया गया था,
मैं इतना लड़ा था वाइपर के लिए थक को बोल के कि उसको फोन दिला, उसको फोन दिला, उसको एक फोन दिलाया नहीं क्या? मेरे को वन प्लस 60 दिया था, उसके बाद मेरे को जब पीएम आया जीते थे हम लोग तीनों को बोला गया था, ओवेस तो चलो स्ट्रीम करता था, मेरे को और वाइपर को बोला गया था कि तुम लोग अपना अपना लैपटॉप ले लो, ये ले लो, फिर अपना फोन ले लो, सब कर लो। हमने तो सोचा था ये सब तो भाई हमको मिलना चाहिए अगर हम प्रूव कर रहे हैं, जीत रहे नहीं, बट तुम लोग खुद से करो भाई, क्योंकि हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं साथ में, मतलब हम लोग का भी इतना सेटल नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो तुम लोग को भी थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। बट नहीं, वाइपर ने तो बोल दिया था, इतनी बार बोला उसको थक को कि फोन दे मेरे को, फोन दे, फोन नहीं दिया उसने, ना कि ओवेस को फोन दिया था। मेरे को एक बार वन प्लस 60 दिया था स्टार्ट में, क्योंकि मेरे पास तभी 6S था, ओवेस के पास आईफोन 8 था, वाइपर के पास वन प्लस 5T या वन प्लस 5 था, कुछ तो भी था, तो मेरे को सबसे ज्यादा नीड थी तभी, तो मेरे को इंस्टेंट दे दिया था थग ने वन प्लस 60 लाके। और कौन था, स्लेयर, स्लेयर एडमिट में उसकी टीम में था, तो उसको दिला दिया था वन प्लस। एंड देन उसके बाद भी एक चीज हुई थी कि माफिया एंड मांबा के लिए आईफोन XR आया था, जबकि ओवेस टीम में था, ओवेस हम लोग पीएम सीओ जीते थे, रीजनल चैंपियन तभी जीते थे, उसके बावजूद उसने ये लोग को लाके दिया, चुप बैठे आज तक, चुप बैठे। लेकिन कब तक भाई, दूसरी बार ये चीज हो रही है कि वापिस, और मैं जानता हूं थग, मैं यही बोल रहा हूं कि इतना मैंने ट्राई किया तेरे साथ दोस्ती रखने का वापिस से, ये वो, उस दिन तेरे को सुबह मैसेज भी किया था मैंने भाई, मैंने मांबा तक को मैसेज किया, मेरे को इनको क्या बोला जाता है कि रौनक और ओवेस के अलावा जिसको जिसके हाथ स्ट्रीम पे खेलना है खेलो, टीम सोल को, टीम एडमिट को, क्यों? रौनक और ओवेस ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? पहले तो वाइपर बोलता था, वाइपर ने बोला था ना कि नहीं मैं तो आज के बाद स्काउट के साथ नहीं खेलूंगा। क्यों खेल रहा है अभी भाई तू स्काउट के साथ में? बहुत अच्छा दोस्त था तेरा। मेरे को जवाब क्या दिया था उसने, ये देखो आपको दिखाता हूं, अभी मेरे को नॉर्मल बात करना था, छोड़ मैं देख लूंगा। और क्या बोलूं, तेरे को स्काउट के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे से प्रॉब्लम हो गई है बहुत। तो उसका रिप्लाई देखो, स्काउट के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम थी नहीं मेरी, ना ही वो मेरे उतना क्लोज था जितना तू था, उसने जो किया वो किया, फर्क नहीं पड़ा उतना, नाउ थिंग्स आर गुड, तूने किया हर्ट हुआ, जब कोई नहीं था सब छोड़ के जा रहे थे, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू लीव बट यू डिड एंड ऑन द वर्स्ट मोमेंट एज वेल, और मैं कितना भी ट्राई कर लूँ टू बी नॉर्मल विथ यू, थिंग्स वोंट बी एज दे यूज टू बी। सो बस यही बात है। तो मैंने उसको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया। चर्चा विद थगवा पे आता हूँ, इंडियन हीरोज, इंडियन ये, इंडियन वो, हर कोई प्लेयर था उसमें। एक चीज नोटिस की आपने, मैं और ओवेस क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे बताओ? जस्ट बिकॉज हम लोग के साथ उसका सब सही नहीं था, ये वो, मैं भी गया था छोड़ के, उसको ऐसा लगता है मैं छोड़ के गया था। वाइपर को इतना समझाया बट नहीं, क्यों? मैं भी रह सकता था सोल में। तुम लोग बोलते हो ना नाम कमा के छोड़ दिया सोल को, भाई मैं भी सोल में रह के मस्त पैसा कमा सकता था बैठ के। हाँ मेरे को चाहिए पैसे, चाहिए ठीक है, नो डाउट पैसे सबको चाहिए रहते, बट मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को कॉम्पिटिटिव खेलना था, इसीलिए मैं गया था ओवेस और स्काउट के साथ में। एंड मैंने वाइपर को हजार बार, कितनी बार बोला था कि भाई आजा 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 ये, बट नहीं आया वो। चाहिए होता तो मैं सोल में बैठ के पैसा कमाता रहता था, अपने सब्सक्राइबर यूट्यूब पे बढ़ाता रहता था। मैंने क्यों स्ट्रीम बंद की, क्यों नहीं की? मैं प्रैक्टिस कर रहा था साथ में, प्रैक्टिस करने की वजह से मैंने अपनी स्ट्रीमिंग बंद कर दी, अपना यूट्यूब सैक्रिफाइस किया, सब कुछ किया, बट क्या मिला आखिर में? कुछ नहीं। आज के दिन में भी मुझे ही और ओवेस को ही बोला जाता है कि तुम लोग ने गलत किया है। अरे भाई क्या गलत कर दिया, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? अगर मॉर्टल हम लोग को छोड़ सकता है, मॉर्टल कॉम्पिटिटिव से ब्रेक ले सकता है, वो अपने यूट्यूब के बारे में सोच सकता है, तो हम भाई एटलीस्ट हमारे कॉम्पिटिटिव के बारे में नहीं सोच सकते क्या? क्या ये चीज गलत है?
तो यार इसी टाइम ठग भी अपने चैनल पे लाइव आते हैं और रौनक के साथ एक डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं और उनपे लगे हुए ब्लेम्स का वो रिप्लाई देते हैं। तो आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि भाई उसको स्काउट के साथ नहीं खेलना था, सिंपल बात। नहीं 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 नहीं, गलत 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 चीज पे जा रहे थे। एग्जैक्टली ब्रो, बर्लिन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं मेरे दोस्त। जब बर्लिन पे ये चीज हुई थी, हां तभी तो स्काउट पिक्चर में था ही नहीं मेरे भाई। कहां जा रहे हो तुम, कहां पर पहुंच गए हो? स्काउट कब आया मैं बताऊं? मैं याद दिलाऊं, ताइवान में स्काउट, हां स्काउट ताइवान में आया था, हाँ, हाँ। और बर्लिन में जब हम थे तभी मॉर्टल का डिसीजन था, मॉर्टल ने तभी लिखा था वो सब चीज। मॉर्टल एक सेकंड, मैं सामने बैठा है। मॉर्टल तुझे आप पता था कौन ज्वाइन करने वाला है? हम लोग की क्या बात हुई थी बताओ भाई। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, स्काउट ज्वाइन करने का बात हो गया था कि तू छोड़ेगा तो स्काउट आएगा फिफ्थ प्लेयर। इसका बात हुआ था हम लोग का ताइवान में, ठीक है। और तेरा तेरा छोड़ने का बात कब हुआ? किस रीजन से जाना था वो था हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे कि इट इज ऑब्वियस दैट जो ऑब्वियस है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव नहीं खेलना था और मेरे को अपने इस पे इन्फ्लुएंस पे फोकस करना था, ठीक है। करेक्ट, उस चीज के अनाउंसमेंट के पहले ही हो गया स्काउट का सीन। और हम लोग नया टीम ट्राई करेंगे और सुबह 12 बजे नींद में तूने हमारी गांड मार दी और बोला कि मैं फनेटिक गांड मार दी की बात नहीं। अच्छा मेरे को अभी चालू किधर से हुआ था? सुन मेरी बात, ओपन बोलता हूँ भाई, मैं टीम का ओनर हूँ। E-sports में ना स्पॉन्सरशिप बोल के एक नियम होता है। सोल का ओनर था, अगर मेरा फनेटिक के साथ अगर मेरा अवंतस का 50 करोड़ का भी डील था ना, मैंने तुम लोग को उतना दिया जितना तुम लोग डिजर्व करते थे। और जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे मैं तुम लोग को जा देने के लिए तैयार था। मुंह पे मना कर सकते तो कर दे, तो मुंह पे बोल के करना था ना भाई। झूठा चोरी ये सब पसंद नहीं ना। फनेटिक से जाके क्यों नहीं मांग रहे? मुझे बहुत डाउट है। हम लोग का सब क्लियर कट है। आज फनेटिक को जाके नहीं पूछा कि वन प्लस से कितना डील है? बट हम लोग का तो क्लियर कट है, हमको तो इनफ पैसा मिल रहा है, हम खुश है उसमें। जिसमें हम खुश नहीं थे हम उसमें रेस करेंगे वॉइस। और पैसा तो तूने खाया ही है, वो तो तू खुद ही मान रहे हैं। पैसा खाने का बात नहीं, मैं ओनर था, तुम लोग को जमीन से उठाया हूं ब्रो, याद कर ये बात। ठीक है जीता जाता एग्जांपल एहसान फरोमस तू है, ठीक है, माना तूने हमको रिमैक में उठाया था, बट तेरे को भी हम लोग ने किधर गलत प्रूव नहीं किया? हम लोग ने भी अपना जी जान ला के सब कुछ प्रूव किया है, साथ में किया है। एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारा जिस दिन हमने साइन किया था? जब टूर्नामेंट जीतोगे सैलरी 3x, सैलरी बढ़ी, हाँ हाँ 3x होगा, हाँ। कौन से वाले में 3x नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, चल सैलरी बढ़ी ना, बट उसके अलावा 3x नहीं हुआ रौनक भाई, एक चीज का जवाब दे मुझे तेरे। मैं तो बोल रहा हूँ हुआ 3x, हुआ 3x। अब मेरे को बोलने दे कि जब मैंने इतना फोन का बोला था, तेरे लिए इतना स्टैंड लिया, तूने क्या क्या तभी थक कर बोला था? अगर तू सच बोल देना मैं मान जाऊंगा। अभी मेरा बात सुन, मेरा तब थक से नहीं बनता था, वो एक फैक्ट है। तेरा और थक का रिलेशन उस वक्त सबसे बेस्ट था। हम सोल में थक सबसे, वो उसको रात को रोना आता था, उसका घर का जो भी प्रॉब्लम होता था तेरे से शेयर करता था, तू उससे शेयर करता था, ये सबको पता है, ठीक है। तू उसका अच्छा दोस्त था, मेरा थक से नहीं बनता था तब जो बात होता था। मेरे को तेरे से प्रॉब्लम कब हुई? जब PMIT खेलने के लिए कोई नहीं था, OS और स्काउट का अलग टीम बन चुका था, और तूने एक रात पहले अपनी स्ट्रीम पे बोल दिया था कि भाई मैं वाइपर के साथ ही खेलूंगा, और उस रात भी यही बात होके सोए थे, और अगले दिन तूने मेरे को बोला कि भाई मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। मैं तेरे को तब एक वर्ड भी नहीं बोला, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था वो टाइम। तो वही चीज ना, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, उस वक्त तैयार ही नहीं। तो मेरा बात सुन, अब उसकी वजह से मेरा PMIT टूर्नामेंट मिस हुआ, लाइनअप नहीं था, मॉर्टल खुद खेलने को रेडी नहीं था। रेगल्टॉस और फ्रॉस्ट से बात हुआ, उनके साथ खेले पहला मैच, पहला दिन अगर अच्छा नहीं जाता मॉर्टल वापस खेलने भी नहीं वाला था वो। लकीली हमारा पहला दिन अच्छा गया स्क्रिम्स का और मॉर्टल वापस आया। तो अगर तू ये बोल रहा है कि वो एक प्लान बना के मॉर्टल छोड़ा है तुम अपने को निकालने के लिए, टीम तोड़ने के लिए, तो वो सीन ही नहीं था। मेरे को भाई, तेरे को पता है रौनक,
मैं सबसे अच्छा भाई तेरे को मानता था। जान दे भाई, पर जाने दे, मैंने इतना, मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी। कोई मालूम है सबसे पुराना दोस्त सोल में मेरा तू था, और तेरे को ही पता है अपनी क्या बनती थी तब। मैंने क्या चीज मांगी थी भाई, पर सिर्फ मॉर्टल को रिक्वेस्ट किया था, मैंने मॉर्टल को रिक्वेस्ट किया था भाई। तो अगर वो अपने बारे में सोचेगा तो मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोचूं भाई, मैं उतना नहीं रख सकता। वही तो बात है ना, देख तो बस भाई, पर वही चीज पे तू नहीं सुन, फिर निकल ही जाता ना। तो तू नहीं समझा ना कि वो अपने बारे में, मैं भी सोल में बैठ के पैसा खा सकता था ब्रो, बट मेरे को कॉम्पिटिटिव में खेलना था। पैसे के चक्कर में तो भाई पैसे नहीं सब तोड़ा है, तो बस ये लो, खुद ही इसने बोल दिया। बोल रहा मैं, तू निकला ब्रो दूसरे होटल में शिफ्ट करा था, तब मैं तुमसे और वाइपर से मिलने आया था। तब तुमने मुझे बताया था कि यार मां बाप मेरे से नहीं हो रहा, तुमने मुझसे फोन की शिकायत करी थी कि मैंने फोन मांगा मुझे नहीं दिया। तब मैंने ये चीज बाय कर ली कि अच्छा फोन जो है नहीं दिया होगा तक। तुमने अगली शिकायत ये बताई कि मेरे को नहीं जमता, मैंने एक हुडी मांगी थी, एक हुडी जो है मेरे को नहीं दी, और मैं चीखता रह गया कि मेरे को एक हुडी चाहिए, पर जो है नमन ने बना के नहीं दी। जिस दिन हम लोग पीएमसीओ जीते, नमन आके मेरे को गले लगाता है और बोलता है तेरे को हुडी चाहिए था ना, मैं ला के दूंगा, तो अगर हम प्रूफ करेंगे तभी हमें मिलेगा। अबे ऐसी बात नहीं होती थी भाई, बाद में मुझे पता चला कि भाई तुम्हें मोबाइल इसलिए नहीं दिया था, तुम्हें वन प्लस दिया गया था, और मोबाइल तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि तुम खुद जाके अपने भाई के थ्रू जो है खरीद के ले आए थे। हाँ तो मैं तो वो बोल रहा हूँ कि मेरे को तो चल, मैंने तो भाई मेरे को सुन, ये चीज क्लियर नहीं हुई मामा ली, क्लियर तो चीज क्लियर करने दे। मेरे को मेरे को वन प्लस पे नहीं जम रहा था, इसके लिए मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे को आईफोन एक्स, हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए था दो फोन। तो बट मैं वाइपर और इसकी बात किया, वापस आया, हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, तू वाइपर के फोन के लिए बहुत बोला कि था किसको फोन मिलना चाहिए ये वो, ठीक है। तो उसमें पहले मैंने मना किया, फिर मैंने वाइपर का फोन ओके बोला और ओवेस को बोला, ओवेस मुझे बोला हाथ छोटा है, तो मैं ओवेस फोन छोटा है, सॉरी उसका आईफोन 8 था शायद, तो मैंने बोला कि स्क्रीन साइज का ही प्रॉब्लम है, वनप्लस ले, उसका स्क्रीन साइज बड़ा है, ठीक है, जिसको शायद ओवेस ने मना कर दिया था, क्या कहता मुझे याद नहीं है। उसके बाद रौनक, अगर तुझे याद होगा कॉल के एंड में, क्योंकि हमारी थोड़ी अनबन हो गई थी, मैंने तुझे एक बार और पूछा था, अच्छा रौनक तुझे अभी ये मोबाइल जो तू अपने भैया के वहां से भी लाया है उसके भी पैसे दे दूं क्या, तो तूने मुझे एक बात बोला था कि नहीं ये तो अब मैं ले लिया तो अब इसकी जरूरत नहीं है, बोला था तू, चाहे तू गुस्से में बोला कुछ भी, तू ये बात बोला था, तुझे अगर हल्का भी याद है तो, ठीक है ना, बोला था मैंने, मैं बोल रहा हूं भाई सुन तो, अरे मेरे भाई जब मैंने तेरे को तेरे से आईफोन मांगा था तो तूने मेरे को OnePlus क्यों दिया, मेरे से गलतियां नहीं हुई ये बात मैं कभी भी नहीं बोला। ये तो मैं आज भी थक को बोलता हूँ, ये तो वो खुद मानता भी आज के डेट, मैं खुद मानता हूँ, और जितना लोग को तुम लोग ने जाके बोला कि थक ने ये गलती की कम्युनिटी में, जितने लोग ने मुझे जाके क्वेश्चन किया कि थक तूने बोल दिया, उनको मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मैं दूध से धुला हुआ था भाई, मेरे लिए भी स्टार्टअप था, सोल वॉज माई फर्स्ट वेंचर, 8-bit को मैंने अक्टूबर में बनाया था, सोल को मैंने दिसंबर में बनाया था, तो भाई मैं भी सीख रहा था, जो चीज मैंने ना तेरे को कभी मुंह पे बोला कि नहीं रौनक मैं हमेशा 100% राइट था, ना मैं किसी और को ही बोला, चाहे तू जितने भी लोगों को तुम लोग जाके पूछा। तो मेरा पॉइंट इज उस दिन भाई, मैं आज एक तेरे को चीज बोलू रौनक, कोई दुश्मनी किसी को किससे नहीं हुई भाई, उस दिन सब लोग हर्ट हुए थे भाई, जब चार लोग के माँ बाप बैठ के मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे ना भाई उस दिन घर पे, और सब मुझ पे अंगुली उठा के थक तूने पैसा खाया था, और रौनक तुझे याद है मैंने एक ब्रीफ हिसाब सा दिया था, मैंने बोला था अंकल ये सब लोग को जो भी जितने भी लोग बैठे थे सबके पेरेंट्स, मैंने एक बात बोला था कि देखो मेरा ये खर्चा हुआ, मैंने इतने रुपए कमाए और इतना तो मैं कमाऊंगा ही, मैं बोला था मुंह पे कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना तो मैं कमाऊंगा ही, ठीक है। अब एक बात मैंने मुंह पे, याद है तुझे, अब एक बात सुन सोल, उस दिन तुम लोग ने मुझे निकाला, अब एक बात रेगा अमन सांगवन रौनक मॉडल वाइपर को हटा दे, इनसे पूछ लेना कि आज के दिन इन लोग का सोल में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। सुन तू मुझे बोलता ना, तूने यही बोला ना कि थक मनी के वजह से मैंने शायद सोल तोड़ा, अब पिछले मतलब एक हफ्ते से, लाइक एक हफ्ते से अब मैं देख रहा हूँ सोल बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, एक मैं ऑडियंस को बता रहा है चारों ये चीज, कितने लोगों ने जो मेरे स्ट्रीम पे घूमते रहे उनको पूछ, मैं शायद एक घंटा स्ट्रीम कर रहा था, अभी 3-4 दिन पहले की बात हो रही थी कि मैं अपना स्ट्रीम बंद करके बार बार सोल के कॉल पे जाता ताकि मैं उनको गेम में हेल्प करूं, बिकॉज लोग डीमोटिवेटेड है, ठीक है। जब तुम लोग के साथ भी था ये चीज, तू डिनाई कर सकता है कि मैंने तुम बेंचो, जब पूरा टीम टूटता था एक एक टूर्नामेंट के पहले, सेमीफाइनल्स में तुम लोग हकते थे लैन के पहले, जब पूरा टीम का मैच उधर हुआ रहता था, कौन तुम लोग को हेल्प करता था। बात है रौनक देख, खराब बात मैं नेगेटिव से फोकस ही नहीं करता, मैं तो कभी बोला ही नहीं कि मैं 100% राइट था, पर बात मुझे क्यों मैंने ये स्ट्रीम स्टार्ट किया बताया, क्योंकि तूने सिर्फ वो बात बोली जो सिर्फ खराब था भाई, कोई रिलेशन में सब कुछ अच्छा नहीं होता, हम और मॉर्टल का भी लड़ाई हुआ है, मेरा और वाइपर का भी लड़ाई,
पीडी भाई का भी लड़ाई हो। देख मेरा एट द एंड पॉइंट यही है, बात यह है कि तू आज ये दिखाया कि मैं गंदा आदमी हूं। हां क्योंकि तूने ही किया है। मैं अरे दुनिया के सामने क्या, मेरे सामने तूने प्रूफ किया है। अभी प्रूफ किया ना तुझे, अभी एक स्क्रीनशॉट में प्रूफ किया ना। तो वो एक स्क्रीनशॉट से क्या प्रूफ हो गया, उससे क्या प्रूफ हुआ कि वाइपर ने, कौन क्वेश्चन कर, वाइपर ने बोला कि रौनक का, मैंने तो उससे क्या प्रूफ हो गया क्योंकि वाइपर को था। तू बोल रहा कि मैंने वाइपर को नफरत बढ़ा, वाइपर ठीक है, वाइपर मोटर आज तक कितना बार बोला कि रौनक से ठीक कर लो, रौनक ओवेस का नाम नहीं, रौनक के लिए कितना बार बोला सितंबर, रौनक के लिए तो मैंने बहुत बोला वाइपर को लेकर। अबे तू छोड़ बे, ये कौन है, मर्सिया है क्या? हां मॉर्टल वाइपर कितना बार बोला कि रौनक से ठीक कर लो 10-12 सितंबर तक। भाई ये चीज ऐसी ना कि उस दिन एक बार लग गई तो लग गई, मेरा ऐसा है कि भाई एक बार तो बस भाई एक बार लग गई तो वही चीज है ना भाई, वही चीज है ना भाई कुछ कि मैंने उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं तेको, मैंने तो इनफैक्ट बात करना बंद कर, उसके बाद चाइना में भी अपन मिले मैंने एकदम अच्छे से बात किया, मैं कुछ पुराना बात लाया ही नहीं, मतलब हो गया पर फिर मैं तेरे को बोला एक जो बॉन्ड था पहले वैसा नहीं रहेगा, वही चीज मैंने तेरे को चैट में क्लियर बता दिया था। हाँ वो चीज तो ठीक है ना, चल मैं माना थग, मैंने नहीं बट मैं तेरे को इतना बोल रहा हूँ थग, नो ब्रो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ये सब स्टार्ट किधर से हुआ कि मॉर्टल जब हटा, अगर मॉर्टल हटता ही नहीं तो वाइपर तू मेरे को एक दिल पे हाथ रख के बता टीम टूटती टीम, मॉर्टल हटने से भाई मॉर्टल अगर हटा तो मैं आज सोल में हूँ ना भाई, मॉर्टल हटा फिर भी 2013 था कि नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज बहुत गलत है भाई। तू जो बोले गलत है, तू जो बोले सही है, हम हाँ भाई ये तो बहुत गलत है। सुन एक चीज मैं बताऊंगा नहीं, सुन लोना वाला का टाइम याद कर, जब मैं लोना लगा था और तब ग्रुप में क्या बातें चलती थी, मैं बोलूंगा नहीं पर तेरे को पता है क्या हो रहा था और उस रीजन से जो हुआ वो हुआ। तो भाई वही चीज है ना कि वहां से आए थे तब तक सब सही था और फिर पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, मॉर्टल का तो कुछ लेना देना ही नहीं था उसमें, मॉर्टल के छोड़ने का या आने का जान दे भाई क्या बोलने का, बट मेरे लिए वाइपर वही चीज था कि देख मॉर्टल ने छोड़ा, फिर जब ओवेस स्काउट के साथ में गया था ना, जब तू और मैं थे ना तब मैंने पूछा था मॉर्टल को कि भाई तू खेल ले, अगर तू खेलेगा तो मैं खेलूंगा, क्योंकि तेरे को ही मालूम है तेरा और मेरा सिनिस्टर और इसके हाथ में नहीं जम रहा था, उस दिन रात को ही मैंने बोल दिया था। और जो थग मेरे को बोल रहा है कि मैं वाइपर के हाथ रहूंगा, वादा किया था मैंने ये वो, मेरे स्ट्रीम पे बोल दिया था। हाँ तो वही मैं, मेरे को बहुत बात पे तो आंदे, मैं स्ट्रीम पे बोला था, लेकिन उस दिन मैं तेरे को रात को क्या बोला कि वाइपर देख नहीं जम रहा है बे, नहीं हो सकता है, तू भी माना था कि नहीं माना था ये बात, ये 3 रात से या हफ्ते से चल रहा था कि नहीं जम रहा, अपन ट्राई आउट कर रहे थे नहीं जम रहा है, क्या बात कर रहा है, अपन पहला दिन था वो, एक ही दिन खेले थे सिनिस्टर और आकाश के साथ। हाँ एग्जैक्टली, अगले दिन तो ये रजिस्टर करने का था, कोई याद नहीं, दोपहर को रजिस्टर करने का था, तो वही तो बोल रहा हूँ, उस रात तक भाई अपना लाइनअप डिसाइड नहीं हुआ था, पर तू ये बोल दिया था कि अपन साथ में खेलेगा, जो भी हुआ दो प्लेयर अपने पास थे ही नहीं, ये दो मिले थे जो पीएमआईटी नहीं खेल रहे, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, एंड हमने बोला चल ट्राई कर लेंगे, बट नहीं जम रहा है, ये तेरे को भी नहीं जम रहा था, मेरे को भी नहीं जम रहा था, बात सुन भाई, तब निकलने को तो मैं भी निकल सकता था, मेरे पास भी ऑप्शन था, तो बस वही है कि देख, तो मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को बस तेरे से यही बुरा लगा, मेरे को भी मोटोकॉल चर्चा विद थगवा में इंडियन हीरोज आए थे, उसमें क्या हुआ था, उसमें तो तेरा और मेरा सही था तब तक, तभी मेरे को और ओवेस का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, बाकी सब प्लेयर्स का लिया, नंबर तक ही सही था रौनक, अनफॉर्चूनेट मेरे मन से उसके बाद खत्म हो गया, तो बस फिर वही पर्सनल ग्रजेस। तो यार इसके साथ ही साथ रौनक स्काउट को सॉरी भी कहते हैं, रही बात स्काउट की, स्काउट को मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उस दिन गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोला था, बट एज यू मैंने जो रिप्लाई नहीं किया रौनक को गलत था, उस इसलिए मैं यहां पर आके बस वही पॉइंट डालना है कि हां भाई मैं तेरी जो आज तक जितना हुआ था वो जो चीज तूने खुद बोला एक्सेप्ट किया, तूने 3-4 दिन से बोला उसके लिए तो सॉरी बोला, आई एक्सेप्ट दैट थिंग एंड। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।